दोस्तों देखिए, यहाँ पे कई बार अक्सर होता है जो ये अपने मशीन का जो डॉक चक होता है, इसका जो ये स्क्रू है ये टूट जाता है। ठीक है, तो अभी अपने यहाँ पे टूट चुका है मेरा मशीन का, ये देख पा रहे होंगे आप। और मेरे पास पुराना, उसको जो मैं रिपेयर करके लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अपना यहाँ सिटी यहाँ से दूर है, इसलिए अभी जा नहीं पा रही थी। इमरजेंसी में इसको अपन रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल वीडियो बनाने के नाम से इमरजेंसी के लिए ही मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसको जोड़ के आपको और मशीन में लगा के दिखाऊंगा, ये काम भी बहुत बढ़िया करेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ये पुराना था, जिसको हम लोग यहाँ से ये जो फट गया था, यहाँ पे कसते हैं तो ये यहाँ से अक्सर ये होता है, ये फट जाता है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे रिपेयर करें, तो इसको अपन जो है यहाँ पे SS राड का यूज किए हैं। और SS के राड से, जब अपन नॉर्मल MS से मत कीजिए, इसको SS के राड से यूज कीजिए। उसके बाद ये थ्रेड पे जो वेल्डिंग है, यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक फट गया था, तो इसको वेल्डिंग किए हैं, इसमें भी मार के फिर वेल्डिंग किए हैं। तो SS के राड से वेल्डिंग कर दिए, इसके बाद इसको ग्राइंड कर दिए हैं। अब ये जो है बहुत बढ़िया चलेगा और ये अच्छा लंबा चलता है। SS के राड अगर आप इस पर यूज करेंगे तो बहुत लंबा चलता है, नॉर्मल राड तो यहाँ पर नहीं चलता। चलिए अपन इसको फिट करके दिखाते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि वेल्डिंग नहीं चलता होगा, SS का वेल्डिंग आप इस पे करेंगे तो ये जो है पक्का चलेगा। देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला स्क्रू जो है, ये स्क्रू भी यहाँ पे क्रेक हो चुका था, जो कॉर्नर से क्रेक हो जाता है। जो वेल्ड करके आने के बाद से ये भी जब से चल रहा है यहाँ पे अच्छे से। और इसमें जो पीस लगा हुआ है, एक पीस जो ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी अपन जो SS के रॉड से वेल्डिंग किए हैं और ये अभी भी चल रहा है। तकरीबन इसको लगे करीबन 6 से 7 महीना हो चुका है। तो आपको क्या करना रहता है, जब भी ये यहाँ से क्रेक हो जाए तो यहाँ पे इसको आधा जो इसकी मोटाई रहती है यहाँ से काट देना, आधा से ज़्यादा काट दीजिए। इसको वी वेल्डिंग बोलते हैं। वी कटिंग करने के बाद इस पर SS की वेल्डिंग कर दीजिए, उसके बाद से थ्रेड को पूरा जो यहाँ पे ग्राइंड कर दीजिए। ये ग्राइंड करने के बाद से ये बढ़िया फिर जो है चलता है।